राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बायतू से एक बार फिर से उम्मीदवार बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। साथ में यहाँ पे आरएलपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गण, इनसे पूरी बात करते हैं। खान साहब, आज यहाँ पे उम्मीदवार बेनीवाल साहब आए, किस प्रकार का कार्यक्रम था? बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं। 36 को हम जो हजूम उमड़ा है, ये बहुत तारीफ के काबिल है। और भाई उम्मीदवार बेनीवाल साहब को भारी मतों से विजय बनाएंगे। क्या लगता है पाटोदी के अंदर क्या समीकरण रहेंगे इस बार? पाटोदी के अच्छे समीकरण है, एक तरफा माहौल करेंगे, हो गया करीब। लोगों को जो पहले जो विधायक जी थे हरीश चौधरी जी, लोगों को परेशान किया। अच्छा, 36 कौम को आपस में लड़ाने का काम किया। और इस बार भाई उम्मीदवार बेनीवाल साहब भारी मतों से विजय। लेकिन हरीश जी का कहना है कि विवादों की राजनीति करना आरएलपी का काम है, मैं इस प्रकार का काम नहीं करता हूँ, मैं भाईचारा खत्म नहीं करता हूँ, इस प्रकार की उनका कहना है। ये झूठी बातें हैं, मेरे सामने की बातें कई ऐसी है जो इस मीडिया के माध्यम से मैं कह नहीं सकता। ऐसी ऐसी हरकतें की जो बहुत खतरनाक है, और इस इलाका शांत इलाका है ये जो पाटोदी पंचायत समिति, उसमें कई घटनाक्रम करवाई, उसके लिए मतलब एक निंदनीय, मतलब बहुत क्या उसके बारे में क्या शब्द कहने के लिए। अच्छा, क्या चुनौती रहेगी चुनावों के अंदर आरएलपी के सामने? वो आरएलपी उन चुनौतियों से कैसे निपटेगी, क्या देखते हैं आप इन चुनावों में? आरएलपी के साथ में लोग मोहब्बत से जुड़ रहे हैं। उम्मीदवार बेनीवाल साहब का शिक्षा के प्रति जो जोर है, उसके आधार पे हमारे हर मदरसे के अंदर कंप्यूटर सिस्टम सारा लगाया और कई इलाकों में सहयोग किया। अच्छा, बहुत लोग जुड़ रहे हैं आपस में। लेकिन एक ये शुरुआत से एक ये थ्योरी चलती आई है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोर वोटर है। क्या लगता है, पाटोदी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, क्या इसके क्या समीकरण निकाले? मुसलमान लोग सब समझ चुके हैं, अब ये समझ गए हैं कि जो लड़ाने वाली ताकत है वो ताकत है, अगर हो तो उसको वोट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हरीश चौधरी द्वारा जो आपस में हर 36 बिरादरी को लड़ाया, मेघवाड़ों को मेघवाड़ों को आपस में लड़ाया, मुसलमानों को आपस में लड़ाया, और प्रजापतों को प्रजापतों में आपस में लड़ाया, ये बहुत खतरनाक है उनकी साजिश है। अच्छा, एक ये पाटोदी प्रधान प्रकरण, ये जो पूरा घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम जो भी चला, क्या लगता है इन चुनावों के अंदर इस पूरे घटनाक्रम पूरे प्रकरण का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस मामले से? ये पाटोदी प्रधान के मामले में एक राजनीतिक महिला प्रधान की राजनीतिक हत्या की गई, उसका मैं विरोध खुल के करता हूँ। 36 कौम से मेरी ये अपील है, ऐसे बंदों को वोट देना बेकार है। हरीश चौधरी जो घटिया हरकतें की है, खुद शामिल होके 40 दिनों के दिन बड़े बंद की गई, उन होटलों में मजे किए इनको, इन्होंने ये ऐसी हरकतें करना अच्छी बात नहीं।